सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करेगी, दंभ भरेगी, लेकिन विशुद्ध रूप से ये बजट जो है दिखाता है कि सरकार ने जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश करी है। पूरे बजट में कोई जिक्र नहीं है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का और कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन होने का। यह अलग बात है कि इस बजट ने सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने लाके रख दिया है। जब बजट प्रस्तुत होता है अगले साल के लिए, तो इस वित्तीय वर्ष का जो असल में खर्च हुआ है, अनुमानित एक होता है और जो असल में खर्च हुआ है उसके बारे में भी असलियत बयां करता है। मोदी सरकार ने कृषि पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, मनरेगा पर लगातार पैसे में कटौती करी है। कृषि के लिए कहा था 83,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किए करेंगे, खर्चा किया मात्र 76,000 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि 68,000 करोड़ खर्चा करने थे, खर्चा किया मात्र 60,000 करोड़। यही नहीं, वित्त मंत्री कहती है 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, 11वां इंस्टॉलमेंट आया है और मात्र 3,80,00,000 किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। शिक्षा पर बड़ा दंभ भरा गया था, इस साल 1,04,000 करोड़ रुपए खर्चा होंगे, खर्चा असल में हुए 99,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर 86,606 रुपए खर्चा कर करोड़ रुपए खर्चा करने थे, खर्चा किए मात्र 77,351 करोड़। यही नहीं, आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए 4,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, खर्चा कितने किए गए 3,800 करोड़ रुपए। दलितों के लिए आवंटित किए गए थे 8,710 करोड़ रुपए और खर्चा कितने किए गए 7,722 करोड़ रुपए। मनरेगा पर, जो कि एक अकेली जिसको कहते हैं संजीवनी था ग्रामीण इलाकों में, सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए रखे थे, खर्च करीब 90,000 करोड़ करने पड़े, लेकिन इस साल फिर से मनरेगा का बजट काटकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है। तो इस सरकार की क्या प्राथमिकता है, ये सिर्फ सरकार ही समझा सकती है, लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ऐसी चीजों पे खर्चा कैसे नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है कि टैक्स में बड़ी उपलब्धि हुई, मिडिल क्लास को बड़ा टैक्स मिलेगा। मिडिल क्लास को जो टैक्स देने की बात है वो 35,000 करोड़ का नुकसान होगा सरकार को, लेकिन सरकार जो नए लोग टैक्स में आएंगे उससे 30,000 करोड़ रुपए कमा लेगी। तो इस हाथ से देगी और इस हाथ से लेगी, वस्तुतः टैक्स का फायदा जो बहुत खरबपति लोग हैं उन्हीं को होगा, सुपर रिच को, क्योंकि वो स्लैब काफी कम किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा का असर तो दिखा इस बजट में। वित्त मंत्री ने बोलना ही शुरू किया कि सबको ग्रोथ का अंश मिलना चाहिए। ये वो कह रही है जिनकी आंख और कान के नीचे 1% आबादी 40% संसाधन और वेल्थ पर बैठी हुई है। फिर कहा गया 80 करोड़ लोगों को एक साल और मिलेगा मुफ्त का अनाज। आप देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है मुफ्त का अनाज। वित्त मंत्री ने कहा 2014 से लोगों की बड़ी अच्छी स्थिति हो गई है। भाई कैसे हुई है? ग्रोथ कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करने वालों में किसान है, 30 किसान रोज सुसाइड करते हैं, डेली वेज लेबर मतलब दिहाड़ी पर मजदूर सुसाइड कर रहा है, ये कह रही बहुत अच्छा हो गया। तो बिल्कुल आंख पर पट्टी बांध ली गई है। फिर इन्होंने कहा पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना पर 48,000 करोड़ रुपए दिया गया था, वो बढ़ाकर 77,000 करोड़ कर दिया गया, इस साल वो और बढ़ा के करीब 80,000 करोड़ कर दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, 42 लाख कम घर बने हैं, टारगेट से 42 लाख कम घर पीछे है, तो पैसा ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? क्या इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है? फिर उज्ज्वला की बात हुई, हमने उज्ज्वला के इतने कनेक्शन दे दिए, अरे 90 लाख तो जिनके पास उज्ज्वला के कनेक्शन है वो दूसरी बार अपना सिलेंडर ही नहीं भरा पाए हैं, एक ही सिलेंडर भरा पाए थे फिर दाम ऐसे बढ़ाए कि वो इस लायक नहीं रहे। छोटे लघु और मध्यम उद्योग की बात करते वक्त तो इन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। फिर से उनके लिए एक लोन मेला लगा दिया गया। छोटे लघु मध्यम उद्योगों को जरूरत है मदद की, सरकारी तौर पर लोन नहीं चाहिए उनको, उनको आपकी मदद चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस बजट में जो गड़बड़ है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पैसा काट दिया गया है, और यही नहीं महिलाओं के लिए, क्योंकि बड़ा दंभ भरती है कुछ महिलाएं इस सरकार में, महिलाओं का पैसा भी काटा गया है।
महिलाओं पर वात्सल्य जो एक योजना है और जो मिशन शक्ति योजना है उस पर भी पैसा काटा गया है। मिशन शक्ति में 3,000 करोड़ रुपए थे, खर्चा सिर्फ 2,280 करोड़ हुए। वात्सल्य में 1,472 करोड़ पैसा दिया गया था, 1,100 करोड़ खर्चा हुआ, फिर से वही वाला काटने का हिसाब है। तो मोटे मोटे तौर पर इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि नौकरी बढ़ेगी, निवेश आएगा और ग्रोथ आएगी। ये बजट विशुद्ध रूप से स्टॉक मार्केट वालों के लिए, खूब अमीर लोगों के लिए, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस, इसका बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों पर, मजदूरों पर क्या फायदा होगा, इतना हमें समझाने की कोशिश वित्त मंत्री जरूर करें। बिना उसके ये आधी अधूरी बातें हैं, ये खोखले दावे हैं, ये बड़े बड़ी डींगे भरते हैं, लेकिन वस्तुतः खर्चा उन आंकड़ों से बहुत कम करते हैं जरूरी चीजों पर।